कैंट थाने की पुलिस ने 50 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गणेश पुत्र फौजदार साहनी निवासी मंटेश्वरी गली मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, दूसरा मनीष पुत्र मनोहर निषाद निवासी राय कॉलोनी मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 50 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि गोरखपुर शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व भीड़भाड़ वाली जगहों पर आने वाले यात्रियों को झांसे में लेकर खाने पीने के सामान में नशीला पाउडर मिलाकर उनको खिला पिलाकर उनके सामानों व पैसों की चोरी कर लेते हैं। हम लोग इस डायजापाम पाउडर का प्रयोग लोगों को नशा दिलाने के लिए करते हैं। हम लोग आज बाहर से कमा कर आने वाले यात्रियों की खोज में निकले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे, कांस्टेबल टीबू सुल्तान, आशीष चौधरी शामिल रहे।